नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकेश तिवारी। हम खड़े हैं बड़ा हनुमान मंदिर प्रयागराज कुंभ में। ये मंदिर है जिसकी मान्यता भी है, ऐतिहासिक मंदिर है। गंगा यहाँ हनुमान जी के चरण पठार में आती है। आगे की जानकारी हमें बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी संतोष जी देंगे। महाराज विश्राम कर रहे हैं, बाएं पैर के नीचे पाताल देवी कामता है और जो ब्लैक कलर की प्रतिमा है वो अहिरावण राक्षस की है। दाहिने पैर के साइड मकरध्वज हनुमान जी के बेटे मकरध्वज हैं और दाहिने हाथ में गदा है, बाएं हाथ में राम और लक्ष्मण है। यहाँ हनुमान जी महाराज विश्राम कर रहे हैं। हर वर्ष गंगा मैया यहाँ पर आकर के इनको स्नान कराती है। गंगा मैया यही प्रवेश द्वार से ही प्रवेश करती है। जैसे भक्तों का प्रवेश होता है प्रवेश द्वार से, वैसे ही गंगा मैया भी बिना पूजा अर्चना के प्रवेश नहीं करती। पहले उनका पूजा अर्चना होता है, आरती होती गंगा मैया की, तब हनुमान जी का स्नान कराने गंगा मैया हर वर्ष आती हैं। उनका फिर स्नान होता है हनुमान जी महाराज, ये गंगा मैया हर वर्ष इनको स्नान कराने आती है। अब 2-4 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक हनुमान जी महाराज कृपा गंगा मैया का मिलाप होता रहता है, तब तक जल यहाँ जल शयन करते रहते हैं। यहाँ पर बताते हैं लोग, बहुत यथाशक्ति भीड़ होती है। दूर दूर से लोग आते हैं अपना ध्वजा निशान चढ़ाने के लिए, मन्नत मांग के जाते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो अपना निशान और ध्वजा चढ़ाते हैं हनुमान जी को। बहुत सिद्ध प्रतिमा और बहुत सिद्ध हनुमान जी महाराज हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।